हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू एंड वेलकम बैक टू लर्नर्स पाथ। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ के कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी एक प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्व की है, तो उससे किन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आज। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग हमें बताई गई है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया कल्चर है जिसमें स्टार्टिंग में इनिशिएटिंग में नंबर ऑफ सेल्स है जो वो 10^3 सेल्स दिए हुए हैं पर एमएल। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 6 आवर्स, जब क्या है इसकी बैक्टीरिया सेल्स कितने हो जाते हैं कल्चर में जो हमारे प्रेजेंट है, 10^6 सेल्स पर एमएल, इतने सेल्स हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या नंबर ऑफ जनरेशन, मतलब हमें क्या है नंबर ऑफ जनरेशन है जो वो फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जनरेशन हम देख लेते हैं, टी इसको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा फॉर्मूला जो हमने कल देखा था वो क्या था कि एन क्या था, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है एक पर्टिकुलर रेट के, मतलब एक पर्टिकुलर डे रेट के टाइम के बाद। ठीक है, उसके बाद था एन नॉट, एन नॉट क्या था मतलब जो स्टार्टिंग वाली है, स्टार्ट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट यहाँ पे कितनी है, जैसे 10^3 सेल्स जितने दिए हुए उसकी पॉपुलेशन। और एन क्या था जो हमारी आफ्टर टाइम जो पॉपुलेशन हो जाती है बैक्टीरियल की, बेसिकली हम कह सकते हैं ग्रोथ हो जाती है, इंटू 2^5 जो क्या था हमारे पास टी, मतलब क्या था जो नंबर ऑफ जनरेशन यहाँ पे हमें प्रेजेंट दी थी कि कितनी है। ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जनरेशन को यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं एन एन, स्मॉल एन से नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, जो क्या था इक्वल टू होती है नंबर ऑफ जनरेशन जो टोटल टाइम है जनरेशन का और जो हमारा डबलिंग टाइम होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें इसको लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग रेज 10। ठीक है, इस साइड ये आ जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा लॉग एन नॉट, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, हमें साइन होता है लॉग में, तो इट मींस यहाँ पे प्लस होगा। अब 2^n है, n आगे आ जाएगा, ठीक है लॉग 2, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है, इस चीज को इधर ले आते हैं, लॉग 10n माइनस लॉग n नॉट, ठीक है डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा n या फिर लॉग 2। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेशन में फाइंड आउट करनी है तो हम n इधर रख लेते हैं, लॉग 2 इस साइड लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी को हमने क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले को हम जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो क्या था यहाँ पे, मतलब एट द टाइम ऑफ एन, आफ्टर एन टाइम मतलब जनरेशन के टाइम की कितने सेल्स हो जाते हैं वो कितने हैं, 10^6, मतलब क्या हुआ लॉग 10^6, ये लॉग बेस 10 है। ठीक है, यहाँ पे लॉग 10 इनिशिएटिव कितने थे जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन थी बैक्टीरिया की, वो कितनी थी 10^3 अपॉन लॉग 2, लॉग 2 के इक्वल होता है 0.3201। ठीक है, लॉग 2 की ये वैल्यू है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जनरेशन, तो इससे फाइंड आउट कर लेंगे कैसे करेंगे। अगर लॉग रेज टू बाय 10 बेस है यहाँ पे जो मतलब पावर में है वो आ जाएगा आगे, ये आ जाएगा 6 लॉग, ठीक है 10 माइनस कितना आ जाएगा 3 लॉग 10। ठीक है, ये मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगी और लॉग जो हमारे पास होता है 10 ये इक्वल टू होता है 1 के, तो ये आ गया 6 × 1 -3 × 1 डिवाइड बाय हमारे पास था ही क्या था वो 0.301। ठीक है, 6 से माइनस जब 1 फिर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 upon 0.301। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कुछ आ जाएगा 9.9 जो कि इक्वल टू 10, मतलब क्या हुआ आफ्टर 10 जनरेशन, यहाँ पे n क्या आ गई हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो क्या आ गई आफ्टर 10 जनरेशन हमारे पास ये सेल्स है जो वो इतने हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था हमारा, अब हम देखते हैं कोई और क्वेश्चन की कैसे सॉल्व करेंगे।